नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं और कौन कौन से माध्यम होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम यानी जिनसे प्रकाश गुजर जाता है, यानी एक पार से उस पार चला जाता है। जैसे परिभाषा अनुसार कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, और जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच आदि। अगर कांच पर यानी प्रकाश जब डाला जाता है या टॉर्च जलाया जाए तो पूरी जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, एक पार से दूसरे पार चला जाता है। उसी तरह वायु भी। तो इस प्रकार इसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम यानी ऐसा माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, यानी पूरा का पूरा नहीं गुजर पाता है, थोड़ा बहुत उस पार चला जाता है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, यानी दूषित का मतलब गंदा जल, थोड़ा बहुत उस पार यानी प्रकाश चला जाता है या उस पार दिखाई देता है। घिसा हुआ कांच यानी पूरा साफ कांच नहीं, क्योंकि अगर साफ रहेगा तो उस पार प्रकाश चला जाएगा या उस पार दिखाई भी देता है। तो घिसा हुआ कांच, तैली कागज़ आदि, यानी तेल पर कागज़ लग जाए तब पर भी यानी प्रकाश का कुछ भाग उस पार चला जाता है। तो इस प्रकार यह उदाहरण है। फिर तीसरा जो होता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक का मतलब जिसके आर पार बिल्कुल न दिखाई दे और न प्रकाश ही जा पाए। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण में जैसे लकड़ी, लोहा आदि।